नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संगम टीवी। मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। देखा, लगातार आपको हम पल पल की अपडेट पहुंचाते रहे। इसी क्रम में आज जो आपको जानकारी हम साझा करने वाले हैं, आपने देखा होगा कुछ हमारी टीम के माध्यम से तमाम ऐसे नेक कार्य किए गए हैं जो काफी लोगों ने सराहना की, काफी लोगों ने उस चीज का मंथन किया। इसी क्रम में आज हम जो चर्चा करेंगे संगम सेवा समिति के बारे में चर्चा करेंगे। जो टीम है, टीम के द्वारा एक नया कार्य शुरू किया गया है जिसके बारे में भी आपको रूबरू करवाया गया था। देखेंगे जो अभी समिति ने एक निर्णय लिया था सर्व जाति सामूहिक विवाह सम्मेलन का, लगातार उस पर कार्य किया जा रहा था। और जो शादी है हमारी 29 नवंबर को संपन्न होने जा रही है गायत्री तप भूमि से, इस शादी को लेकर के कुछ अहम बिंदु हैं, उन पर चर्चा करने का कार्य करेंगे। आज जो टीम के लोग हैं, तमाम लोग विचार विमर्श करेंगे। देखेंगे सभी टीम के मेंबर हैं, जैसे देखेंगे आप शशिकांत भैया हैं हमारे साथ में, और सिद्दीक भैया भी हैं, प्रवीण हर्ष भैया भी हैं और प्रवीण भैया भी हैं। इसी क्रम में काफ़ी लोग यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, तमाम जो बिंदु हैं इन पर चर्चा होगी, जैसे कि समिति के कार्यों को लेकर के इससे पहले भी जो कुछ कार्य किए गए हैं तो उन कार्यों के बारे में आज उल्लेख होगा, वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाया जाएगा। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन भी कर सकता है, या कमेंट के बॉक्स पर आप डाल सकते हैं अपना क्वेश्चन, उसका भी जवाब कहीं ना कहीं आपको जो है प्राप्त होगा, फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो या फिर आपका जो है यूट्यूब हो। देखिए, जैसे हम लोग आज संगम सेवा समिति के समस्त कार्यकर्ता सदस्य और हमारे अध्यक्ष हैं, और हम जो 29 नवंबर को शादी होने वाली है, सम्मेलन होने वाला है, उस सम्मेलन को लेकर आज परिचर्चा कर रहे हैं और उसके जो तैयारियां है उसको लेकर भी विश्लेषण किया जा रहा है। इसी क्रम में हम लोग जो पूर्व में कार्य किए गए हैं उस कार्यों को लेकर भी विश्लेषण हुआ है। इसी क्रम में हमारे जो अध्यक्ष हैं अजय प्रजापति, उनसे हम कुछ बातों को लेकर या कुछ चर्चाओं को लेकर विश्लेषण करना चाह रहे थे, जिनको लेकर आज सामने सामने प्रश्नोत्तर है। इसको लेकर हम अध्यक्ष जी से कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे कि जो संगम सेवा समिति है इनके क्या उद्देश्य हैं, क्या उपलब्धियाँ हैं, जो संगम सेवा नाम रखा गया है संगम का अर्थ क्या है, और संगम सेवा समिति के उद्देश्य में किन किन कार्यों को लेकर किया जा रहा है, इसी क्रम में हम लोग चर्चा करेंगे। बिल्कुल सही कहा भैया ने, जैसा कि ये क्वेश्चन केवल भैया का नहीं बहुत सारे लोगों का होगा कि हम लोगों ने जो अपनी टीम का नाम रखा, अपनी जो समिति का नाम रखा, तो संगम क्यों रखा। जैसे कि हम बता दें, संगम हम लोगों ने इसलिए रखा कि हमारे यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव ऊंच नीच का कोई वो नहीं है, और हम लोग जो सब नेक कार्य करने वाले होते हैं, साफ दिल व्यक्ति होते हैं, सभी का स्वागत है, आप आइए इस अभियान का हिस्सा बने। कहीं ना कहीं जो है ऐसे लोगों की यहाँ पर हमारे टीम के माध्यम से सहायता की जाती है जो वाकई सहायता पहुँचाने लायक होते हैं, और वो लोग असमर्थ होते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक समर्थता प्रदान करने के लिए हमारी टीम के माध्यम से एक प्रयास किया जाता है। जो संगम का अर्थ की जैसे बात आई, तो संगम का अर्थ होता है एक साथ कई समूह का मिल जाना, कई सारे लोगों का एक साथ एकत्रित हो जाना, वह संगम कहलाता है। तो हम लोगों ने यही किया है, सभी भाइयों को एक साथ जोड़ करके एक संगम ग्रुप बनाया हुआ है, और इस ग्रुप के माध्यम से कहीं ना कहीं जो नेक कर करने का एक प्रयास किया गया है। जैसे कि हम उद्देश्य के बारे में भैया ने कहा, उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे, तो उद्देश्य केवल एक ही है, जिन लोगों की हम मदद कर सकते हैं उन लोगों की मदद करें। मदद कई प्रकार से की जा सकती है, आर्थिक रूप से भी की जा सकती है, शारीरिक रूप से भी की जा सकती है। हम लोग जैसे सक्षम हैं उस प्रकार से वहाँ मदद करने का प्रयास बरसक करते हैं। जैसे कि पुराने अगर रिकॉर्ड की बात करें, जो हमारे टीम के माध्यम से कई बार रक्तदान भी किया गया है, जो हमने खास ओपन नहीं किया है, और आवश्यकता पड़ी तो ओपन भी किया जाएगा। तो रक्तदान की बात हो या शादी की बात हो, तमाम ऐसी बेटियों की शादी की गई है, और तमाम ऐसे असहाय लोगों की मदद की गई है जो किसी कार्य को करना चाहते थे नहीं कर पा रहे थे किन्हीं कारणों के चलते, तो उनकी मदद की गई है, उस कार्यक्रम को संपन्न कराया गया है टीम के माध्यम से। क्या संगम सेवा समिति में ओनली शादी को लेकर ही कार्य किया जाता है? ऐसे कार्य किए जाते रहे हैं और लगातार किए जाते रहेंगे। इसके भी उदाहरण है, जैसे कि एक बच्ची थी जो उस परिवार में इतनी समर्थता नहीं थी कि उस बच्ची की शिक्षा दीक्षा करवा सकें, लेकिन टीम के प्रयास से और तमाम समाज सेवियों के, तमाम भाइयों के सहयोग से उस बच्ची को आज उत्तम शिक्षा प्राप्त हो रही है। और जैसे कि बात करें तमाम कार्यों को लेकर के, तमाम कार्य किए गए हैं जिसका उल्लेख करना शायद
संभव नहीं है। एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि हम बात करें शहीद स्मारक है, कहीं ना कहीं टीम ने उसमें भी निर्णय लिया कि ये शहीदों का अपमान है। नगर पंचायत अध्यक्ष को लेटर देने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जो हमारे सैनिक की प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर दी गई थी अराजक तत्वों के द्वारा। तो टीम के माध्यम से एक जो है प्रयास किया गया था प्रतिमा को सही कराने का, वहाँ जो भी अराजक तत्वों के द्वारा बाउंड्री वाल हो या किसी प्रकार के जो अराजक तत्व वहाँ प्रवेश करते थे, उठा बैठी में तमाम ऐसे जो मदिरा का पान करते थे, वहाँ पर जो है उस पर रोक लगाने के लिए तमाम प्रकार से प्रयास किया गया और आज उस पर सफलता भी मिली है और कहीं ना कहीं आप सभी भाइयों का सहयोग भी मिला है। क्या आपकी टीम द्वारा पूर्व में भी शहीद स्मारक हो या मोक्ष धाम हो या अन्य जगह पर हो सुंदरीकरण या वृक्षारोपण के कार्य को लेकर किया गया है? हाँ, वृक्षारोपण भी कई बार किए गए हैं जो सामूहिक तौर पर किए गए हैं, कई सारे लोगों के साथ में किए गए हैं। और एक एक पौधे लगाना और फोटो डालना शायद उचित नहीं है, जब बड़ा कार्यक्रम होता है उसमें ज़रूर जो है टीम इन्वॉल्व होती है और किया जाता है, उसे जो है सोशल मीडिया में भी डाला जाता है ताकि अधिक से अधिक लोग देख सकें, इससे प्रेरित हो सकें। अगर कार्य हमारी टीम का अगर अच्छा लग रहा है तो आप भी हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। जैसे कि टीम से जुड़ने की बात करें तो टीम में जुड़ने के लिए कोई शुल्क नहीं है, बस आपका मन साफ होना चाहिए, आपका दिल साफ होना चाहिए। आप सभी का स्वागत है जी। पहले कुछ समय पहले हमें संज्ञान में मैटर आया था कि आपकी टीम या सभी टीम के सदस्यों द्वारा पाटनपुर में जो एक गरीब बिटिया थी जिनके पिता मतलब नहीं थे, भाई दिव्यांग थे। और बिल्कुल जैसे पाटनपुर की बात है तो वहाँ हमें सूचना प्राप्त हुई थी, हम परिवार को नहीं जानते थे, हमें किसी शख्स के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक परिवार है जो बेहद गरीब है, उनके फादर नहीं थे, लड़की के पिता नहीं थे। तो हम लोगों ने सोचा चल के देखते हैं, अगर जो प्रयास हम लोगों का किया रहेगा तो हो सकता है कार्यक्रम उनका अच्छा से अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने एक प्रयास ही कहेंगे प्रयास किया हम लोगों ने, उनका कार्यक्रम अच्छा हुआ। जो भी हम लोगों से बन पड़ा, हम लोगों की टीम से बन पड़ा, सब हम लोगों ने एकत्रित होकर के सामग्री एकत्रित करके उन तक पहुंचाई और उनका कार्यक्रम बहुत ही अच्छा सराहनीय रहा, जिसकी प्रशंसा उनके परिवार के लोगों ने ही की। और जैसे इमिलिया की बात करें तो इमिलिया की भी सूचना हमारे पवन टेलर साहब हैं, उनके द्वारा प्राप्त हुई थी। हम परिवार को नहीं जानते थे, परिवार के द्वारा बाहर रह करके जीवन यापन किया जा रहा था, तो जब जानकारी हुई तो हम परिवार से मिले और जिस प्रकार से हमने हम लोगों से मदद हो बनी तो हम लोगों ने उनकी मदद की और बेहद जो है अच्छा रिजल्ट गया। सभी लोगों ने प्रशंसा की, सराहना की, हम लोगों की टीम के द्वारा तो काम अच्छा किया ही जा रहा है। बट आपकी क्या सोच है, आप भी अपना कमेंट साझा करें। अच्छा, सम्मेलन तो प्रतिवर्ष होते ही हैं और होते आ रहे हैं, तो आपकी समिति को ये सम्मेलन जो सर्वजाति सम्मेलन 29 नवंबर को है ये करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हाँ, ये अच्छा प्रश्न रहा है आपका कि सम्मेलन हमने भी देखा, हम छोटे छोटे थे तब भी हम देखते थे कि सर्वजाति सम्मेलन होते रहते थे। लेकिन हम लोग सम्मेलन इसलिए करना पड़ा कि हमने सुना है बहुत सारे लोगों की जो शादियाँ होती हैं सम्मेलन में तो सामग्री ऐसी भेंट की जाती है कि वो उनके घर तक नहीं आ पाती और सामग्री रास्ते में ही टूट जाती है। कहीं ना कहीं जो है ये कहें कि लोकल सामग्री की दी जाती है या पुरानी सामग्री दी जाती है, तो एक देना उनका उद्देश्य रहता है, ना कि वो सामग्री चले और किसी प्रकार का उसका प्रयोग हो, ऐसा उनका कोई उद्देश्य नहीं रहता, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हम नहीं देना चाहते हैं, ऐसी तमाम टीमें हैं जो उनके द्वारा कार्य किए जाते हैं और लगातार ऐसे ही कार्य उनके देखे जाते हैं जो बिल्कुल बाद में अगर अब की बात करें तो अब तो लोगों ने सम्मेलन का नाम सुनते ही कहीं ना कहीं जो है एलर्जी होने लगी लोगों को, अब लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं सम्मेलन से शादी करना। इसीलिए हमने कुछ इस बार सम्मेलन जो अपनी टीम के माध्यम से रखा हुआ है उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि हम लोग जो फुटकर शादियाँ करवाते थे, जहाँ कहीं जानकारी हो जाती थी वहाँ हम मदद पहुँचाते थे, लेकिन हम लोगों ने इस बार संयुक्त रूप से इस करने का प्रयास ये किया है कि इसमें जो लोग पात्र हैं वो सभी लोग इन्वॉल्व हो पाएंगे और हम लोग कम खर्चे पर एक साथ जो है कई सारी शादियाँ करा पाएंगे। जैसे कि शादी की बात करें, हम लोगों का लक्ष्य था कि 11 से अधिक शादियाँ करवाएंगे और जितनी भी शादियाँ हो जाएंगी हम उतनी करवाएंगे, यानी कि किसी को लौटाया नहीं जाएगा, जो भी लोग आएंगे सबका स्वागत है, सब लोगों का सहयोग किया जाएगा और शादी को जो एक ऐतिहासिक रूप देने का कार्य किया जाएगा टीम के माध्यम से। पूर्व में जो आप लोगों के द्वारा कार्य किए गए समिति द्वारा, तो लोगों द्वारा जो डोनेशन आया है, जो पैसा आता है, क्या उसका आप हिसाब किताब या ब्यौरा रखते हैं? हाँ, ब्यौरा की बात करें तो पूर्व में जो जितना भी सहयोग राशि हमें प्राप्त हुई है उस सहयोग राशि का बकायदे जो है रजिस्टर मेंटेन किया गया है, जो फोन पे गूगल पे के माध्यम से आया है तो वो तो ऑन रिकॉर्ड है ही,
सारे स्क्रीनशॉट हमारे पास आज भी सेव हैं, और जो भी जितना खर्च हुआ है वो भी सब सारे चीज़ का लेखा जोखा है, अगर किसी को भी चाहिए तो प्राप्त कर सकते हैं। बट अफवाह ना फैलाएं, ना फैलने दें, अगर किसी को किसी प्रकार की कोई शिकायत है हमारी टीम के लोगों से मिल सकते हैं, ना कि मुझसे ही, हमारी टीम के सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी है, कितना आया कितना गया सारा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। बिल्कुल, कहने का तात्पर्य है कि आप पैसे का जो हिसाब किताब की बात कर रहे हैं उसमें पारदर्शिता रखी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल पारदर्शिता रखी जाती है, कहीं ना कहीं जो है जब कार्यक्रम हो जाता है उसके बाद में एक बैठक बुलाई जाती है, जो भी अपने टीम के लोग रहते हैं सभी लोगों के बीच में ही ये पूरा दिखाया जाता है, सभी लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है कि इतना रुपए फला व्यक्ति के द्वारा इतना इस जगह दिया गया, फला व्यक्ति के द्वारा इतना इस जगह दिया गया, और फला जगह से इतनी सहयोग राशि प्राप्ति, हर एक चीज़ का लेखा जोखा रहता है, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। बिल्कुल, बस आपसे एक प्रश्न और पूछना है, ये बताइए जो आप समाज सेवा करते चले आ रहे हैं संगम सेवा समिति के माध्यम से, सभी सदस्यों द्वारा एक समाज में एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, नेक कार्य कर रहे हैं, बहुत से लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, तो ये बताइए जो श्रेय है ये श्रेय आप किसको देना चाहते हैं, उन तमाम आपके जो सहयोगी हैं जो आपको चाहे 11 रुपये हो, चाहे 51 रुपये हो, चाहे 100 रुपये हो, या भी कोई भी राशन सामग्री हो, जो जिसकी भी ज़रूरत जितने भी श्रद्धा होती है वो आपकी एक अपील पे लोग सहयोग करते हैं, उनको श्रेय देना चाहते हैं, क्या है आपकी राय? बिल्कुल, उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उन लोगों ने लगातार जो है समिति के साथ में, समिति के सदस्यों के साथ में कंधा से कंधा मिलाने का, चलने का कार्य किया, एक बार फिर से उन्हें धन्यवाद कहूँगा, उनका आभार व्यक्त करूँगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर सहयोग राशि आती है तो हमारे यहाँ पर ये नहीं देखी जाती है कि छोटी धनराशि है या बड़ी धनराशि है, क्योंकि ये मेरा मानना है कि माना एक रुपये एक लाख नहीं होता, लेकिन एक लाख से अगर एक रुपये निकाल लिया जाता है तो वो एक लाख भी नहीं होता, तो हमारा तो मानना यही है आप जितना सहयोग कर सकते हैं आप उतना सहयोग करिए, एक एक रुपये से एक एक बूंद से घड़ा भरता है, और यही कारण है कि आज जो हम लोगों ने सफलता पाई है, जो जितने भी कार्यक्रम थे उन कार्यक्रम को संपन्न करा पाए हैं, तो आप सभी लोगों के माध्यम से ही, बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे भैया लोग दिल्ली में हैं, गुजरात में हैं, और बहुत दूर दूर हैं ऐसे एरिया पे, उनका भी सहयोग प्राप्त होता है, मात्र एक मोबाइल के व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से उन्हें जानकारी प्राप्त हो जाती है कि टीम के द्वारा एक ऐसा कार्य किया जा रहा है, तो उनको इतना विश्वास हो चुका है कि वो बिना कुछ सोचे समझे तत्काल जो है बारकोड हो या गूगल पे फोन पे नंबर हो, तत्काल लेकर के उसमें सहयोग राशि देने का कार्य करते हैं, सहयोग राशि प्रदान करने का काम करते हैं टीम के लिए। मैं और सभी आप सहयोग करने वाले दानदाताओं का और टीम के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अकेले किसी व्यक्ति की क्षमता नहीं है कि कोई इतना बड़ा कार्य कर सके, आप सभी टीम के लोगों के माध्यम से, आप सभी लोगों के माध्यम से इतने बड़े बड़े कार्य हम लोग लगातार करते चले जा रहे हैं, धन्यवाद जी। आप समाज सेवा क्षेत्र में अपनी समिति द्वारा जो कार्य कर रहे हैं, आप किसी की मदद करते हैं या किसी भी ज़रूरतमंद को सहयोग पहुंचाते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। ईश्वर ने हमें जन्म दिया है, कहा जाता है नर सेवा ही नारायण सेवा है, अगर हम किसी की सेवा कर सकते हैं, किसी के साथ में खड़े हो सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, तो इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि ईश्वर ने हमें उस लायक बनाया है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं, न कि किसी से मदद लेने लायक। तो हम लोग अगर मदद करने लायक हमें ईश्वर ने बनाया है तो हम क्यों ना मदद करें, क्यों ना आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ऐसे नेक पुनीत कार्य पर लगातार प्रतिभा करते रहें जी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।